किसानों को मिलने वाला 300 रुपया प्रति क्विंटल का बोनस हम नहीं दे पाए थे, जिसके कारण किसान हमसे रुष्ट हो गए थे कि हमने वादा करके 300 रुपया प्रति क्विंटल उनको नहीं दिया। हम अपनी गलती को सुधारते हुए जनता के बीच जा रहे हैं कि हमारे द्वारा जो गलती हुई थी और 2016-17 और 17-18 में जो किसानों को 300 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस नहीं दिए थे, उसको हमारी सरकार बनने के बाद 25 दिसंबर को आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस के अवसर पर, जिसको हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, 9000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से उस समय जितना जितना धान जितना किसानों ने बेचा होगा वो राशि उनको दी जाएगी। मैं समझो के लिए भी दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के माध्यम से भूमिहीन खेतिहर मजदूर को हर साल 10,000 रुपया देने का वादा किया है। किसानों को मिलने वाला 300 रुपया प्रति क्विंटल का बोनस हम नहीं दे पाए थे, जिसके कारण किसान हमसे रुष्ट हो गए थे कि हमने वादा करके 300 रुपया प्रति क्विंटल उनको नहीं दिया। हम अपनी गलती को सुधारते हुए जनता के बीच जा रहे हैं कि हमारे द्वारा जो गलती हुई थी और 2016-17 और 17-18 में जो किसानों को 300 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस नहीं दिए थे, उसको हमारी सरकार बनने के बाद 25 दिसंबर को आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस के अवसर पर, जिसको हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, 9000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से उस समय जितना जितना धान जितना किसानों ने बेचा होगा वो राशि उनको दी जाएगी। मैं